अस्सलाम वालेकुम, वर्डप्रेस की ट्रेनिंग में आपको खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम ज़ैम सर्वर से किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले हमने वैम सर्वर देखा था। हम देखेंगे बिटनामी से हम किस तरह वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब गूगल पे जाके लिखेंगे बिटनामी डाउनलोड, बिटनामी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि आपने को किसके लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए, लिनक्स के लिए चाहिए, विंडोज़ के लिए चाहिए। तो मुझे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए। नो थैंक्स, जस्ट टेक मी टू डाउनलोड पेज। क्लिक करेंगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि हमने अपने लाइव सेशन में इसकी डाउनलोडिंग की थी हमने, तो मैं वही ओपन करता हूँ। बिटनामी मेरे पास डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। आप इधर से डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। वैम्प यूज़ करना चाहें, वैम्प यूज़ करना चाहें, बिटनामी यूज़ करना चाहें, तमाम पे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें। जी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जिस लैंग्वेज में आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो मैं लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। लोकेशन सेलेक्ट करनी है जिस फोल्डर में आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अपना रियल नेम जो भी है आपका इंटर करना चाह रहे हैं, मैंने इंटर कर दिया है। ईमेल एड्रेस अपना इंटर करें, क्योंकि ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन उसी टाइम पे हो जाती है। तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए सारी इंफॉर्मेशन ले रहा है बिटनामी। यूज़र नेम और पासवर्ड सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए वो डिफरेंट कर दिया मैंने। पोर्ट सेलेक्ट करनी है कि किस पोर्ट के थ्रू आप इसको मतलब एक्सेस करना चाह रहे हैं। 444 MySQL की पोर्ट सेलेक्ट कर लें। आपके ब्लॉग का जो नाम होगा वो आप सेलेक्ट कर लें, टाइटल और बिटनामी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। इंस्टॉलेशन होने का वेट करें।
जी, तो बिटनामी इंस्टॉल हो गया, तो लॉन्च पे आपने फिनिश पे क्लिक कर दें, लॉन्च पे मार्क रहने दें, एक्सेस वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करेंगे तो ये वर्डप्रेस की एक्सेस पे चला जाएगा, मिले जाएगा वर्डप्रेस एक्सेस पे, WP एडमिन पे। जी, ये हमारी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है बिटनामी में। इसमें हम एक ही ब्लॉग एट अ टाइम रन कर सकते हैं, मल्टीपल ब्लॉग या मल्टीपल वेबसाइट्स नहीं हम बना सकते, मल्टीपल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। तो याद रहे कि आपने सिर्फ कोई एक सॉफ्टवेयर चूज़ करना है, वो आप वैम्प यूज़ कर लें, वैम्प यूज़ कर लें, बिटनामी यूज़ कर लें, सारे इकट्ठे इंस्टॉलेशन नहीं करनी, किसी एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि हम फॉर्म किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, कंटेक्ट फॉर्म 7 प्लगइन को यूज़ करते हुए हम फॉर्म किस तरह क्रिएट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।